जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता, लेकिन दीदी को ये बात समझ ही नहीं आती है। आज दीदी चुनाव आयोग को गाली दे रही है, आज दीदी केंद्रीय वाहिनी को गाली दे रही है, आज दीदी ईवीएम को गाली दे रही है। हालत तो ये है कि दीदी आज अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को भी गाली देने लगी है। दीदी के साथी शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली दे रहे हैं। दीदी इतनी हताश हो चुकी है कि वो बंगाल के मतदाताओं को, आप सभी को बदनाम कर रही है। साथियों, चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और टीएमसी द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। दीदी, ओ दीदी, दीदी संवेदनशीलता की उम्मीद बंगाल अब आपसे छोड़ चुका है। लोकतंत्र के उत्सव में भी दीदी आप माताओं बहनों के आंसू, माताओं बहनों के आंसू गिरने की वजह बन रही है। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी चार राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। समस्या छप्पा वोट, ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है। समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, याद रखिए, आदरणीय दीदी याद रखिए, ये 2021 का बंगाल है। अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आप बंगाल के लोगों को डराने की, उनमें भय फैलाने की जितनी कोशिश कर रही है, उतने ही ज्यादा लोग आपको हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज बंगाल का नौजवान आपको हरा रहा है, आज बंगाल की महिलाएं आपको हरा रही हैं, आज बंगाल का गरीब, बंगाल का मध्यम वर्ग आपको हरा रहा है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप इस बात को समझिए, ये दृश्य देखिए, दृश्य
बंगाल का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो बंगाल की जनता लड़ रही है। जनता इस चुनाव में मैं देख रहा हूं, बंगाल की जनता बीजेपी से भी 10 कदम आगे बढ़कर आपको हराने के लिए मैदान में आई है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? अरे दीदी, आप 7 जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती।